कुशवाहा के जदयू छोड़ने के बाद बिहार में सीएम नीतीश कुमार के दुश्मनों में एक और नया नाम जुड़ गया है। इसके पहले नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर को पार्टी से निकालकर पहले ही दो दुश्मन बना लिए थे, यानी जदयू के भीतर से नीतीश कुमार के तीन दुश्मन अब तैयार हो चुके हैं। जदयू से इतर तो दुश्मन स्वाभाविक ही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान तो नीतीश की जड़ में मट्ठा डालने के लिए 2020 से ही सक्रिय हैं। एनडीए से अलग होने के बाद और महागठबंधन के साथ जाने के बाद बीजेपी नेताओं की फौज भी नीतीश कुमार को नेस्तनाबूद करने के लिए सक्रिय हो गई है। चलिए आपको हम सिलसिलेवार तरीके से नीतीश कुमार के इन पांच दुश्मनों के बारे में बताते हैं। दुश्मन नंबर वन, उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा 2021 में दोबारा जदयू में लौटे तो पार्टी ने उन्हें संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। नीतीश कुमार की कृपा से वे एमएलसी भी बन गए, लेकिन पिछले महीने दो महीने से चल रहे विवाद के कारण जदयू ने उन्हें संसदीय बोर्ड के पद से हटा दिया। अब तो उन्होंने जदयू को बाय बाय बोल दिया है। जाने से पहले नीतीश के बारे में जितना जहर उन्होंने उगला है उसे एक बात तो साफ है कि कुशवाहा बिरादरी के करीब 5% वोटरों में सेंध लग चुकी है, यानी नीतीश की जड़ में मट्ठा डालने के लिए उपेंद्र कुशवाहा भी तैयार हो चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं दुश्मन नंबर दो के बारे में, यानी प्रशांत किशोर। कभी जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और अब विरोधी प्रशांत किशोर ने चंपारण की भूमि से अपनी जनसुराज यात्रा की शुरुआत की। वे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, उनके साथ खासा संख्या में समर्थकों का काफिला भी है। वे जहां जाते हैं वहां निशाने पर नीतीश ही होते हैं, हालांकि वे मौजूदा राजनीति को ही खारिज करते हैं, लोगों को वैकल्पिक राजनीति का संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि अब तक बिहार के साथ छल हुआ है, नीतीश कुमार भी कुर्सी से चिपके रहना ही पसंद करते हैं, इसलिए कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन में उनकी आवाजाही चलते रहती है। लालू यादव अपने परिवार की राजनीति करते हैं, लेकिन कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर पूरी तरीके से नीतीश कुमार को डैमेज करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा के जरिए अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। जाहिर है कि उनकी पार्टी या अभी चल रही यात्रा नीतीश कुमार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दुश्मन नंबर तीन की बात कर लेते हैं, आरसीपी सिंह। जी हाँ, नीतीश कुमार के सबसे करीबी और भरोसेमंद नेताओं में आरसीपी सिंह का नाम आता था। आरसीपी कभी नीतीश कुमार के दुश्मन बने हुए हैं, वह भी नीतीश कुमार के मारे हुए हैं। आरसीपी कुर्मी जाति से आते हैं, और तो और नालंदा उनका घर है जहाँ नीतीश कुमार का भी घर है। नीतीश के विरोध में आरसीपी के खड़े हो जाने के कारण नुकसान स्वाभाविक है, खासकर कुर्मी वोट में सेंध लगा सकते हैं। माना तो यह भी जाता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले आरसीपी सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते जितने लोगों को टिकट दिया था उनमें कम से कम 15 विधायक जीते। ये संकट की खड़ी या मुकाबले की स्थिति में नीतीश का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसा ना हो तब भी बिहार के लवकू समीकरण को बिगाड़ने में वे अहम भूमिका निभा सकते हैं। चलिए अब दुश्मन नंबर चार की बात करते हैं, चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दुश्मनी तो जग जाहिर है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश को वे उनकी औकात बता चुके हैं। कहा जाता है कि चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार कर उसकी 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जीत को बाधित कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 43 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। जदयू विधानसभा में और बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। तब से लेकर अब तक चिराग की बोली हमेशा नीतीश के संबंध में टेढ़ी ही निकलती रही है। नीतीश कुमार पहले दबे स्वर में और अब खुलकर यह बात कहते हैं कि चिराग पासवान ने बीजेपी की सह पर उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। हालांकि नीतीश कुमार ने इसका भी बदला चिराग से ले लिया, लेकिन कुल मिला जुलाकर खतरा जो है वो चिराग पासवान से नीतीश कुमार को बना हुआ है। अब चलते हैं सबसे अहम और पांचवें नंबर के दुश्मन पर, यानी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने एनडीए में सर्वाधिक सीट लाने के बाद भी गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हुए नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बनाया, लेकिन उन्हें धोखा मिला। नीतीश ने उस महागठबंधन से हाथ मिला लिया जिसे कोस कर वो सत्ता में आए थे। इससे बीजेपी इतनी नाराज हुई कि बार बार पाला बदलने वाले नीतीश के नाम पर अब
नाक भौं सिकोड़ती है। बीजेपी ने तय कर लिया है कि किसी भी हाल में नीतीश को अब मौका नहीं देना है। ये अलग बात है कि जदयू से बीजेपी में अगर दूसरा कोई आना चाहे तो इसे बीजेपी को कोई परहेज नहीं होगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की माने तो नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब चाहकर भी वे राजनीति में कुछ नहीं कर सकते। नीतीश के पास अब संन्यास लेने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा है।